हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी लोगों ने पीछे कुछ दिनों में मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि हम लोग कोई भी एक ऐसा वीडियो लेके आए जो साइटेक स्केडा और एसक्यूएल के कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, कि हम स्केडा से कैसे डेटा एसक्यूएल में डाल सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट करा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है साई कोड पे। और कई लोगों ने मुझे स्क्रिप्टिंग के लिए भी पूछा था कि हम स्क्रिप्टिंग कैसे करा सकते हैं साई कोड के बेस पे, कुछ हमें उसके लिए भी गाइड करें। तो पीछे कुछ टाइम से मैं कुछ अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से फैमिली में जो वीडियोस नहीं बना पा रहा था, तो इसीलिए अब मैंने पीछे दो दिनों में तीन दिनों में अपने दो वीडियोस अभी डाले हैं। एक मॉडबस कम्युनिकेशन को रिलेटेड लेके मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर पे, और एक 580 के रिटेंडेंसी को लेके, और आज हम साइटेक स्केडा वाले टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी पीछे कुछ एक दो दिनों में वीडियोस नहीं देख पाए हों वो उन वीडियोस को भी बहुत ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाले हैं। और आज का टॉपिक ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि कई लोगों ने इस टॉपिक के लिए फिर डिस्कस किया था। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पीछे कुछ टाइम से लोगों ने, जब मैं वीडियोस नहीं डाला था तब भी कई लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया और चैनल सब्सक्राइब किया है, और आगे भी आप लोग मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करें। जो आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आप ही लोग हैं। अगर आप लोग अच्छा कमेंट्स डालते रहते हैं हमारे वीडियोस को देख के, उस पर भी जो भी आउटपुट्स हमारी आ रही है, सही आ रही है गलत आ रही है, वो आपके फीडबैक्स आते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही उस पर प्रोग्राम और अपने वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे उसको स्टार्ट करना है मैं स्टार्टिंग से आपको बता दे रहा हूँ। इसमें हम आज यूज़ करने वाले हैं साइटेक स्केडा का सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं 2018 वर्जन ए, और दूसरा हमारा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट हम यूज़ करने वाले हैं 2018। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं साइटेक स्केडा। हम यहाँ पे अपना एक बैकअप नया बना लेते हैं जिसका हम नाम रख दे देते हैं एसक्यूएल साइकोड बैकअप, और मैं टैब स्टाइल याला सेलेक्ट कर देता हूँ। साथ के साथ आप मेरे जो भी आज का वीडियो है इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एसक्यूएल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वन टाइम में एसक्यूएल को कम्युनिकेट करा पाएंगे अपने सिस्टम के साथ और एक ही बार में आप डाटा सबमिट करा पाएंगे। आज की वीडियो के बाद मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए SQL से आप कैसी अपनी रिपोर्टिंग बना सकते हैं वो भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आज का वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और उसको एक एक स्टेप फॉलो करने हैं ताकि आप पहले SQL पे डाटा ले जा पाएँ। जब हमारे पास कई बार एक डाटाबेस के रिक्वायरमेंट आती है कस्टमर्स की, तो हम लोग वहाँ पे SQL बेस पे डाटा भेज के उसके आगे रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने अपना एक बैकअप बना लिया है जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद हम आके अपना एक IO डिवाइस सेटअप करते हैं। IO डिवाइस के लिए हम न्यू IO डिवाइस पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे बैकअप का नाम आ गया, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद IO सर्वर, हम एग्जिस्टिंग IO सर्वर या नया IO सर्वर जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। फिर क्रिएट IO डिवाइस, हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अपने पीछे के कई वीडियोस में जो स्टार्टिंग साइटेक स्केडा की ट्रेनिंग दी थी तो मैंने उसमें बताया ही है, तो आप इसका नाम दे सकते हैं। मैं इसमें SQL IO dev नाम दे देता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देते हैं। इसको डिस्क IO डिवाइस हम ले रहे हैं। अगर हमारी कोई PLC है या कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेज है तो हम एक्सटर्नल ले सकते हैं। डिस्क IO डिवाइस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इंटरनली टैग्स यूज़ करने वाला हूँ इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। साइटेक जेनरिक प्रोटोकॉल में से ले लेता हूँ यहाँ पे, उसे नेक्स्ट करके नेक्स्ट नाउ फिनिश। और अब आप ये देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे एक IO डिवाइस
क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट मैं अपने सिस्टम मॉडल में आके अपने जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर लेता हूँ। तो आइए पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल मैं अभी 5 वेरिएबल को लेके आपको एक बैकअप बना के दिखाऊंगा। वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, वेरिएबल 4, वेरिएबल 5, हमने 5 वेरिएबल ले लिए हैं और इसको हम सेव करा लेते हैं। बस अब इसका मैं एड्रेस डालने से पहले ये सारे को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमने ये सारे टैग एक साथ सिलेक्ट कर लिए। सबके क्लस्टर हम एक बार डिफाइन कर देते हैं और मैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें क्लस्टरिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे को किसी ने बात करी है कि क्लस्टरिंग का भी हम लोग एक कोई वीडियो बनाए, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अब आप ये देखिए, 5 टैग जितने टैग मैंने सेलेक्ट कर लिए इनको एक ही बार में मैं क्लस्टर और आईओ डिवाइस एक ही साथ या डाटा टाइप में एक ही साथ सबको डिफाइन कर सकता हूँ। और यहाँ पे एड्रेस भी अगर मैं डाल दूँ तो सबका एक साथ सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं। अब मैं सबका तो एड्रेस मुझे फ़िलहाल अलग अलग रखना है, तो मैं अलग अलग रख दे रहा हूँ। अगर आपकी कोई PLC के साथ आप कम्युनिकेट करा रहे हैं, उसका कोई डाटा लेना है, तो आप यहाँ पे PLC का जो ऐसे हम IO डिवाइस बना के उसके एड्रेसेस यहाँ पे डालते हैं, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये टैग सिंपल यहाँ बना देते हैं। ये सारा सिंपल प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर है जो अदर सिस्टम में हम काम करते हैं। इसके बाद हम इसके साइकोड पे आ जाएंगे। उससे पहले हम एक पेज डेवलप कर लेते हैं। पहले इसके लिए पेज पे आ जाते हैं, पेज इसको ओके कर लेते हैं। और मैंने अभी पीछे एक पेज बनाया था, वाला मैं पेज ओपन करके वहाँ से सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। पहले अब यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ ये मैंने क्या किया है। ये यहाँ पे मैंने सिंपली सारी चीज़ें टैग्स बने हुए हैं, इसलिए मैंने वहाँ से जस्ट कॉपी कर लिया। यहाँ पे मैंने एक पहला टैग ऐसे लिया था जिसमें यहाँ पे आके वेरिएबल 1 डिफाइन किया है मैंने आके, फिर यहाँ पे आके इनपुट पे आके ## एंटर कर दिया, क्योंकि मैं कीबोर्ड से ही इसकी वैल्यू एंटर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने ई सिक्वेंस में ## एंटर कर दिया। इस मैंने 5 टाइम एंटर किया है, हैश यानी 5 डिजिट्स इसमें एंटर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने टैग्स एंटर करने का जो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पीछे सारे वीडियोस में बताई हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं किया, ये सारी चीज़ें ये पुरानी हैं। यहाँ पे सब मैंने वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और ये वेरिएबल 5 ऐसे करके मैंने सारे टैग्स बनाए हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ, डेटा 1, ताकि सबके लिए ये अंडरस्टैंड सी रहे। डाटा 1 हो गया, ये डाटा 2 हो गया, ये डाटा 3 हो गया, ये डाटा 4 हो गया, डाटा 5 हो गया। जो वेरिएबल 1, 2, 3, 4, 5 थे वो सारे यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे एक मैंने बटन बनाया है, इस बटन को मैं कर देता हूँ इंसर्ट डाटा नाम से मैं बना देता हूँ, कि जब भी मैं ये बटन प्रेस करूँ मेरा ये डाटा SQL में इंसर्ट हो जाए। इस पेज को मैं सेव करा लेता हूँ। अभी SQL साइकोड बैकअप मेरा है, उसी में जाके मैं इसको सेव करा रहा हूँ।
यहाँ पे जो मैंने इस बटन के अंदर एक डेटा लॉक का मैंने फंक्शन डाला हुआ था, वो क्या है कि ये वाले फंक्शन हम कॉल कराएंगे साइकोर पे, और उसके बेस पे ही हम एसक्यूएल में अपना सारा डाटा डंप कराने वाले हैं। तो वो नाम मैंने यहाँ पे रखा है, और वो कैसे आएगा वो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम आएंगे अपना साइकोड का, मैंने यहाँ पे पहले ही ओपन कर दिया था लॉन्च साइकोड एडिटर। हमारे पास ऐसे करके साइकोड एडिटर आ जाता है, हम यहाँ पे फिर प्लस का ऑप्शन करते हैं, साइकोड पे आ जाते हैं। मैंने अपना अभी साइकोड बनाया हुआ है, इसको जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पर अभी पेस्ट कर रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक एक कोड आपको अभी वेरीफाई करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ें लिखी गई हैं। बस आपको ये बता दूंगी, जो डाटा लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है वो डाटा लॉक मैंने, ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे करके डाला है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये मेरा इंट एच एस एस क्यूएल है, इंट एच ई एक्स ई है, आई कॉमा आई है, ये मैंने टैग साइकोड टैग बनाए हैं इस फंक्शन के अंडर में। हम ये वाले टैग्स यूज़ करने वाले हैं इस फंक्शन में। ये आप ऐसे करके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जिन्होंने सी या अदर लैंग्वेजेस पढ़ी हैं वो भी ये जानते हैं कि हम लोग टैग्स वगैरह या डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं। ये हम लोग अपने साइकोड में, साइटेक में भी कर रहे हैं, तो हम लोग डिफाइन करते हैं ना। जैसे अभी मैंने वेरिएबल वन वेरिएबल टू ना डिफाइन किया, वेरिएबल थ्री ये रियल टाइप के हैं तो मैंने डिफाइन किया, वैसे ही यहाँ पे आपको ये सारे टैग्स डिफाइन करने हैं। ये हम टाइम का लेने वाले हैं, डेट का लेने वाले हैं, स्ट्रिंग टाइम एंड डेट लेने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक एच एस क्यूएल आएगा, जो इंट हमने यहाँ पे लिया है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर उसके बाद सबसे पहला टॉपिक आता है, अगर आपको एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है, ये तो बेसिक वेरिएबल्स हैं, ये प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें समझ में आ जाने वाली हैं। तो अब जो पहला पॉइंट आता है एसक्यूएल से कनेक्शन का, वो आता है एसक्यूएल कनेक्ट। एसक्यूएल कनेक्ट क्या है, ये आप राइट क्लिक करके आप हेल्प पे जाएंगे तो आपको इसके हेल्प की फाइल भी आपको मिल जाती है कि एसक्यूएल से रिलेटेड इसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको इसके हेल्प में मिल जाएंगे साइकोड में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसक्यूएल कनेक्ट डालेंगे तो क्या क्या करना है, बहुत सारे फंक्शंस इसमें साइटेक में अपने फंक्शन और उसके एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हर किसी का अपना अलग अलग मेथड इन्होंने दिया होता है, यहाँ पे जैसे लिस्ट फंक्शन नेम ऐसा कुछ बना रहे हैं, और उसका अपना डाटाबेस डिफाइन करते हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करते हैं। तो ये ऐसे करके हैं, ये कैसे कैसे डिफाइन करनी है आप एक एक चीज़ें देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। एसक्यूएल कनेक्ट का जो अभी आपने फंक्शन देखा वो उन्होंने कैसे बताया है कि एसक्यूएल कनेक्ट अगर आप डालते हैं तो आपको कनेक्ट की स्ट्रिंग यहाँ पे डालनी है, और अगर आपको एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको उसका डीएसएन डिफाइन करना पड़ेगा। डीएसएन जो चीज़ होती है वो आपका डाटाबेस होती है जो आपके एसक्यूएल में होनी चाहिए अवेलेबल, और उसके बाद एसक्यूएल का कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करके डालना पड़ेगा। तो मैंने अभी यूज़र नेम एंड पासवर्ड विंडोज़ का ही रखा हुआ है, तो जैसे विंडोज़ मैंने लॉगिन कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, तो इस वजह से मैंने वाला पॉइंट यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। अब एक एक स्टेप कैसे करते चले जाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। एसक्यूएल के साथ हम डीएसएन डालेंगे, डीएसएन डाटा डीबी डीबी नेम करके डाल दिया है डाटा बेस नेम। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ODBC डाटा सोर्स आता है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप ओपन करने वाले हैं। ये फाइल मेरे पास खोल के आ गई है, अब मैंने यहाँ पे ये फाइल बनाई हुई है, अभी मैं इसे मैं यहाँ पे एक नया फाइल लेता हूँ ऐड। ऐड करने के बाद मैं आऊँगा एसक्यूएल सर्वर पे, इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद ये मुझसे मांगता है नेम, ये डाटा डीएसएन का नेम मांगता है, वो डीएसएन नेम का है, वो जो डीएसएन नेम मैंने यहाँ डिफाइन किया है, आप यहाँ पे कुछ भी ये नाम डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसे डाटा नेम कर देता हूँ, क्या मैं डाटा नेम या डाटा एसक्यूएल नेम डाल देता हूँ, आप कुछ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे
इसे हटा देते हैं अभी हम, और ये हमारा खुला हुआ है। हमने यहाँ पे ये डीएसएन डिफाइन कर दिया, डाटा एसक्यूएल नेम। उसके बाद ये हमारा सर्वर मांग रहा है। अभी मैं इसको एक एसक्यूएल इसको अब यहाँ पे हमारा सर्वर मांग रहा है। सर्वर कहाँ पे? जैसे ही आप एसक्यूएल खोलेंगे और उसके बाद आप कनेक्ट करने के लिए करते हैं, आपके पास यहाँ एसक्यूएल सर्वर नेम आ जाता है, वो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वो सर्वर नेम आप यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करते हैं, इसके बाद ये आपको नेक्स्ट करने का ऑप्शन मांगता है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास विद विंडोज एंटी ऑथेंटिकेशन यूजिंग नेटवर्क लॉगिन आईडी और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। अगर आप एसक्यूएल वाला कर देंगे तो यहाँ पे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड आता है एसक्यूएल का, वो आपको डालना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं विंडोज वाला यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये मांगेगा कि आपको कौन से एसक्यूएल के किस डाटाबेस से ये डाटा कनेक्ट करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आके इसे कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल को। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से हम ये काम कर रहे हैं। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ये आपको सीधा ऑप्शन बोल रहा है। यहाँ पे आके आपने अपना एक नया डेटाबेस बनाना है। डेटाबेस पे क्लिक करके न्यू डेटाबेस आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो डीएसएन का नाम डाला है हम फिलहाल यहाँ पे वही नाम डालने वाले हैं। यही नाम डालने वाला हूँ वहाँ पे, इसी नाम का मैं डेटाबेस बनाने वाला हूँ। एसक्यूएल डाटा एसक्यूएल नेम से नाम से मैं बना रहा हूँ। इसको करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। मेरा वहाँ पे एसक्यूएल में ये डाटाबेस अब आप देख रहे हैं बन गया है। अब ये डाटाबेस बनने के बाद मैं इसकी टेबल को डिफाइन करूँगा। टेबल में आके मैं आके इसे न्यू टेबल करूँगा। न्यू टेबल में अब ये कॉलम मांग रहा है। ये वाली चीज़ मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। साइकोड और उन दोनों को पैरेलली चलाना है, इसीलिए अभी आपने ये डीएसएन का मीनिंग तक समझ लिया, यहाँ पे हमने कर लिया। इसके बाद आता है डेट, जो भी हमारे ये फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन होता है साइकोड का, साइटेक का, वो हमने डेट टू फॉर्मेट में इस डेट वन वाला जो हमने यहाँ टैग स्ट्रिंग का बनाया था, इसमें डेट एंड टाइम की ये वैल्यूज हम मूव करवा देंगे। प्लस ये टाइम एंड डेट का एक स्ट्रिंग और बनाया जिसमें डेट एंड टाइम के प्लस एडिशन वैल्यूज में यहाँ पे मूव करा रहा हूँ इस वाले टैग्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे अभी इसकी कोई भाई बना को चीज़ें करके बताऊँगा अभी। अब इसके बाद ये मैंने टैग्स जब कॉपी करा दी, इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एसक्यूएल सेट। एसक्यूएल सेट अब आप इसका भी हेल्प देखना चाहेंगे तो एसक्यूएल सेट का आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये एसक्यूएल सेट का है। सेट्स आर स्टेटमेंट स्ट्रिंग इन द एसक्यूएल बफर। हम एसक्यूएल बफर में जो भी हम अपने वैल्यूज डालने वाले हैं उसकी एक स्टार्टिंग वैल्यूज हम यहाँ पे डालते हैं। इसकी 255 करेक्टर लिमिट्स होती है, आप उससे ज़्यादा करेक्टर इसमें राइट नहीं कर सकते। एसक्यूएल सेट में जो एसक्यूएल पे मेनली काम करते हैं उनको सारी इंस्ट्रक्शंस पता होती हैं, तो जो वही इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे सेलेक्ट फ्रॉम इस टेबल से उस टेबल में कुछ सर्च करना है या उस पर कोई डाटा एंटर कराना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्वेरी देनी पड़ती है। उसी तरीके की हमने यहाँ पे क्वेरी डाली है एसक्यूएल सेट में। एचएसक्यूएल ये वाला जो स्टेटमेंट था हमारा कि पहले सबसे पहले हमारा जब भी ये कोड कॉल होगा ये उस डीएसएन के डाटा एसक्यूएल नेम का जो हमने डाटाबेस बनाया है डीएसएन उसके साथ कनेक्ट होगा। अब उसके साथ कनेक्ट होने का क्या मीनिंग है कि वो टेबल को भी कनेक्ट कर रहा है और उस डाटाबेस को भी कनेक्ट कर रहा है। जैसे ये मैंने यहाँ पे अब करूँगा वैसे वापस से मैं इसको करता हूँ एसक्यूएल डाटाबेस आ गया। अभी देखिए डाटा एसक्यूएल नेम जो मैंने यहाँ पे नया बनाया है वो यहाँ पे आपको
दिखाई देने लगा है, आपने इसे सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ फिनिश किया, टेस्ट कनेक्शन करा तो टेस्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यानी अब मैं ने वहाँ जो DSN बनाया था वो आप SQL के यहाँ पे आके कनेक्ट कर चुके हैं, यहाँ तक का आपका सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, इसे अब आप ओके कर देंगे यहाँ, और यहाँ से ये ओके हो गया। ठीक है, यहाँ तक का तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आता है HSQL। अब हम यहाँ पे क्वेरी पास करा रहे हैं SQL में कि इंसर्ट इनटू टेबल। आप कोई भी एक टेबल जो भी हमने नाम डाला होगा, वो टेबल नाम क्या है, और टेबल टेबल का नेम हमने यहाँ पे नया डिफाइन करने वाले हैं, और जो भी हम नाम यहाँ पे भी बना के सेव करेंगे, उस टेबल में इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो भी अभी मैं यहाँ पे जिस नाम से भी ये टेबल मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगा उसको जिस भी नाम से सेव करूँगा उस टेबल नेम में ये वैल्यू एंटर करेगा, और इसके डेट एंड टाइम, सबसे पहला कॉलम मिल रहा है डेट एंड टाइम का, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, डेट एंड टाइम, और यहाँ आके आप कैरेक्टर ले सकते हैं, स्मॉल डेट एंड टाइम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डालिए डेट एंड टाइम ले लिया। इसके बाद मेरे पास दूसरा कॉलम मैं जो बनाने वाला हूँ वो डाटा, यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा, छठा, मैं ये एक हमारी सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 और एक ये डेट एंड टाइम्स, टोटल 6 कॉलम्स हैं, तो हम ये 6 कॉलम्स यहाँ पे बनाने वाले हैं। डेटा वन, अब ये डेटा वन मेरा एक रियल टाइप का डाटा है, इसे रियल ले लिया। उसके बाद डेटा टू है, ये भी मेरा रियल है। डेटा थ्री, डेटा फोर, डेटा फाइव, रियल टाइप का डाटा मैं यहाँ पर मूव करा रहा हूँ, और इस टेबल को मैं अब सेव कराने वाला हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे टेबल का नाम मांग रहा है, मैं SQL डाटा टेबल नाम से इसे करा दे रहा हूँ, इसको मैं कॉपी भी कर ले रहा हूँ, कॉपी और ओके। अब यहाँ पे ये मेरी टेबल बन गई है, अब आप इसे बंद करके वापस से एक एक चीज़ें खोलते रहेंगे तो आपको अपने आप ये सारी टेबल मिल जाएगी। अब मैं इसे डिसकनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करूँगा। डाटाबेस, अब आप टेबल के अंदर देखेंगे ये SQL डाटा टेबल नाम से आपको मिल गया है, तो मैंने ये जो नाम लिया था ये नाम लेके SQL डाटा टेबल यहाँ डाल दिया। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे, SQL सेट SQL डाला, इंसर्ट इनटू SQL डाटा टेबल, इंसर्ट इनटू HSQL डाटा टेबल, ये आ गया। इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है, इस इंसर्ट में सबसे पहला मैंने उसे बताया, सबसे पहले मेरा डेट एंड टाइम का कॉलम है, उसके बाद डाटा वन का कॉलम है, डाटा टू, डाटा थ्री, डाटा फोर, डाटा फाइव, ऐसे ही और भी आपके कॉलम्स हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉलम वाला सेक्शन मेरा क्लियर हो जाता है, मैंने इसको ब्रैकेट क्लोज करा दिया है। इसके बाद फिर मैंने एक वैल्यूज कि अब तो मैंने पहले कॉलम डिफाइन कर दिया कि आप इस स्केल टेबल पे आप जाएं और आप ये हमारे ये कॉलम्स इसमें इंसर्ट करें। अब इन कॉलम्स में वैल्यूज, मतलब पहले मैंने कॉलम बता दिए, अब किस कॉलम में कौन सी वैल्यूज जानी है वो मैंने यहाँ पे पास ऑन कराई है, वैल्यूज करके SQL append मतलब उसमें आप एड ऑन कराइए। पहला HSQL टाइम अंडरस्कोर वन, मैंने पहले टाइम की जो वैल्यूज है डेट वाला वो मूव करवा दिया है। दूसरा HSQL append रियल टू स्ट्रिंग, जो भी मेरी एक रियल वैल्यूज है उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को मैंने डेसिमल, ये 12 डिजिट तक का डाटा आएगा उसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को उसकी वैल्यू एंटर करानी है, और ये मैंने SQL append सारी चीज़ें यहाँ पे करवा दी हैं। यहाँ पे सारा डाटा मेरा अपने आप आ गया है, और उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया।
यहाँ तक मैंने सारा डाटा एग्जीक्यूट करा दिया और एसक्यूएल डिस्कनेक्ट यहाँ पे करा देंगे। यहाँ पे पहले आपने ये सारी टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद आपने सारी वैल्यूज उसमें इंटर कराया, उसमें वैल्यूज इंटर कराने के बाद आपने उस कोड को एच एस क्यू एल को ये जो आपने क्वेरी पास कराई थी इसको आपने एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट कराने के बाद जब आपका डाटा एक बार उसमें राइट हो गया उसके बाद आपने एस क्यू एल को डिसकनेक्ट कर दिया। वापस से जब भी आपको डाटा इंटर कराना है फिर से आप इसको एस क्यू एल कनेक्ट कराएंगे, डी एस एन पे जाएंगे, सारे टेबल्स पे जाएंगे, उसकी वैल्यूज कराएंगे और तब डाटा उसमें इंटर हो जाएगा। आपका ये सिंपल सा सिस्टम इसमें होने वाला है। उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया, इसे कंपाइल कर दिया। अब आपका मेजर सारा काम हो चुका है, आपने एसक्यूएल टेबल बना ली है, डाटाबेस बना लिया है, कॉलम बना लिए हैं और आपने साथ के साथ ही अपने साइकोड भी रेडी कर लिया है। अब मैं इस साइकोड को बंद करके यहाँ से कंप्यूटर सेटअप विजार्ड चलाने वाला हूँ। मैंने अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करके मैंने इसे रन करा दिया है। और ये टेबल पे राइट क्लिक करके मैं अब अगर कोई डाटा देखना चाहूँ अपना तो सिलेक्ट 1000 टेबल मैंने कर दिया। अब इस टेबल में अभी क्या क्या वैल्यूज हैं वो मैं देखना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैं पहले अपनी वैल्यूज डाल दूँ, 10.3, 11.4, 2.56, 112.56, इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए आपको दूसरा भी डाटा यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही करके आपके जितने भी वैल्यूज हैं वो आपके यहाँ पे एसक्यूएल में आने शुरू हो गई हैं। अब आप सारा डाटा अपना आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये तो रहा आपका डाटा एसक्यूएल में कैसे पब्लिश होता है। अब अगला जो इसमें हम स्टेप रहेगा कि मान लीजिए कल को आप कहते हैं सर मेरा तो डाटा लॉग ही नहीं हुआ, मेरा सिस्टम चला ही नहीं, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको कैसे पकड़नी है उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर का एक मैसेज हम ले लेते हैं। अगर आपका कोई एरर आता है, आपको एरर देखना है एग्जैक्टली क्या एरर है, उसे हम यहाँ पे रन कराते हैं और कंपाइल करा दिया है मैंने हमारा सिस्टम को, हम रिस्टार्ट करा देते हैं। अब आप देखिए जैसे ही आप डाटा सबमिट कराएंगे सक्सेसफुल कंप्लीशन आ गया, फिर आप करेंगे सक्सेसफुल कंप्लीशन आ गया। लेकिन और आप यहाँ पे अभी देखेंगे मैं एक बार एग्जीक्यूट करूँगा वो चार बार डाटा जो था वो आ गया। लेकिन अब मान लीजिए मेरा कोई टेबल संभव मैंने इसका नाम चेंज कर दिया 15 करके मैंने कंपाइल कर दिया, वैसे गलती हो सकती है, मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी अभी, कंपाइल कर दिया। उसके बाद मैंने इसको अपना सिस्टम रिस्टार्ट किया है। ये देखिए मेरा एसक्यूएल ये स्काडा रन हो गया दोबारा से और ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप देखेंगे मैं इंसर्ट डाटा करूँगा, जैसे डाटा इंसर्ट करता हूँ मेरे पास ये एरर आ जाता है, वो बोल रहा है कि
इनवैलिड कॉलम नेम डाटा 15, यानी डाटा 15 इनवैलिड कॉलम नेम है जो आप SQL के साथ कनेक्ट करा रहे हैं। इसमें इनवैलिड डाटा 15 नाम का कोई भी टेबल नहीं है, तो मैं उस पर डाटा नहीं डाल सकता। आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप ये डाटा 15 जो है क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल कर देंगे। और यहाँ पे अब आप कहेंगे कि एरर क्यों नहीं बताया। ये एरर इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्कैडा को थोड़ी ना पता है कि आपके साइट आपके SQL में क्या टेबल बनी है, किस नेम से बनी है, कैसे बनी है, वो आपको क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये जब आप कंपाइल करते हैं ये कभी एरर नहीं देता। और दूसरी चीज़, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कभी भी वो इस चीज़ को एरर नहीं देगा। बट ये जब चीज़ स्ट्रिंग वहाँ पे जाएगी और स्ट्रिंग 1-to-1 मैच होती है, तब वहाँ पे वो चेक करता है कि डेटा 1 और डेटा 15 ये दोनों चीज़ें हमारी मैच नहीं करती हैं। अब हम यहाँ पे स्काडा, और इसको जब भी आपने चेंज किया, चेंज करने के बाद आप अगर चाहोगे कि मैं इसे वापस से कर दूँ, मैंने वहाँ एरर सही कर दिया, तो नहीं, इसके लिए आपको पहले स्काडा को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। आप पूरे स्काडा को रिस्टार्ट शटडाउन करके स्टार्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखना चाहें, 1.4, 2.6, 1.678, यहाँ पे 2.5, इसे आप 1.67, अब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीशन का आ गया। ये हमें मैसेज एक्चुअली रखना नहीं होता, ये हमने टेस्टिंग के लिए ये मैसेज रखा होता है। अदरवाइज आप ये ऐसे ही कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक आप इसकी कोडिंग कराएंगे ऑटोमेटिक, अभी तो मैं बटन से प्रेस करा रहा हूँ, बटन से प्रेस करने के बाद आपके पास मैसेज आता है, आप उसे आपके प्रेस करा दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब आप ऑटोमेटिक में इसे डाल देंगे तो ये ओके वाला आपका होगा नहीं, और वो कोड वहीं पर आपका ब्लॉक रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये मैसेज केवल टेस्टिंग करने के बाद आपको ये हटा देना चाहिए, और वो पॉपअप आपके कई बार जनरेट होता रहता है क्योंकि वो कोड बार बार चलता रहेगा ऑटोमेटिक, तब आपको बार बार प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा। अब आप ये कहेंगे कि ये तो अभी हमने बटन से किया, अब इसको ऑटोमेटिक कैसे करना है। इसको ऑटोमेटिक करने का एक सिंपल सा फंडा है, आप इवेंट्स पे आएंगे, यहाँ पे इवेंट्स पे आके आप एक इवेंट का नाम बना देंगे और उसका क्लस्टर बना देंगे। फिर आपको कब इसको ट्रिगर कराना है, वो आप ट्रिगर किसी एक वेरिएबल के बेस पे कराना है, यहाँ पे आप यहाँ पे पहले अपना वो जो मैंने बटन पे फंक्शन डाला था वो फंक्शन आप यहाँ डाल देंगे। फिर आपको एक कब ट्रिगर कराना है, वो ट्रिगर आपको डालना पड़ेगा, किसी एक टाइम पे डालना है, किसी एक डेट पे डालना है, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे डालना है, वो चीज़ आप यहाँ पे बना देंगे। लाइक मैं इसे अभी बना देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ एक्शन, और मैं इसको देता हूँ पीरियड, हर 30 सेकंड के बाद मेरा डाटा लॉक हो जाए, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद मैं कंप्यूटर सेटअप चला दूँगा। अभी तो केवल हमारा हमने इवेंट बनाया है, लेकिन हमने उस इवेंट को इनेबल नहीं किया। अगर इवेंट को इनेबल नहीं करेंगे तो आप SQL पर डाटा डंप नहीं करा सकते। अब यहाँ पे आपके D1 नाम का मैंने जो बनाया था आपने वो इनेबल करा दिया। इसको करने के बाद मैं स्काडा को रिस्टार्ट वापस से करा देता हूँ। ये इतने 5 सर्वर हैं, मैं इनको अलग अलग टाइम पे कराता हूँ। मैं केवल क्लाइंट को क्यों करा रहा हूँ उसका अलग मीनिंग है। अगर मान लीजिए मैं कोई नया टैग वगैरह ऐड कराता हूँ तो मैं IO सर्वर को केवल रिस्टार्ट कराऊंगा। अगर कोई मैं नया अलार्म बनाता हूँ तो अलार्म सर्वर को रिस्टार्ट कराऊंगा। कोई नया ट्रेंड बनाता हूँ तो ट्रेंड सर्वर को रिस्टार्ट कराऊंगा। सारे सिस्टम को रिस्टार्ट कराने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है, अब आप हर 30 सेकंड के बाद आप देखेंगे कि मेरा डाटा अपने आप लॉग होता रहेगा। अभी मेरा 50 सेकेंड्स पे हुआ था, अब मेरा 50.30 पे हो जाएगा, 50.1950 पे हुआ था, अब 30 सेकंड्स के बाद मेरा अपने आप वैल्यू जो आएगी वो मिल जाएगी। अब ये अपने आप वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई है 30 पे। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू जो मिलेगी
वो 51 पे मिलने वाली है। जैसे यहाँ पे मैं 51 आएगा टाइमिंग, अभी 30 सेकंड्स हुआ था, अब आपको ये 51 पे मिलेगा। देखिए 51 हो गया, अब आप यहाँ पे चेक करेंगे 51 पे मिल गया। ऐसे ही अब आप एक और देख लेते हैं, अब आप इसको 51 के 30 सेकंड्स के बाद देखेंगे ये 27 28 29 एंड नाउ 30। हम जैसे इसको चलाते हैं 30 पे अब आ गया। तो ये सारा डाटा अब आपका ऐसे ही चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ये समझने में, अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आगे अब आपके जो भी SQL का बैकअप रहेगा, जो भी SQL का काम रहेगा, आप उसको अच्छी तरीके से काम करा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए लोगों के साथ, और आप लोग प्लीज़ प्लीज़ उसको शेयर करिए। और मैं जल्दी जल्दी यह वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। आपके जो भी टॉपिक्स हैं प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स के माध्यम से, थ्रू कमेंट्स आप वीडियोस पे करिए। जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट्स पे दोबारा से डाल दीजिए। पीछे अगर किसी ने मुझसे कोई रिक्वेस्ट करी हुई है प्लीज़ मेरे वीडियोस पे दोबारा से डाल दीजिए। कई लोगों के पॉइंट्स मैं स्किप कर चुका हूँ, लेकिन अगर आप दोबारा से डाल देंगे मुझे रिकॉल हो जाएगा, और मैं डेफिनेटली आपके उन टॉपिक्स को भी जल्दी से जल्दी कवर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में बहुत जल्दी, और उन वीडियोस में अब मैं मॉडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह पे भी काम शुरू, वीडियोस मैंने शुरू कर दिए हैं। तो अब M580 के रिलेटेड, M340 से रिलेटेड कंट्रोल एक्सपर्ट पे जो कैसे मॉडबस कम्युनिकेशन कराना है वो मैं अब बताने वाला हूँ, और इकोसिस्टम मशीन एक्सपर्ट पे भी बताने वाला हूँ। साथ के साथ ही सर्वो को हम सेंटर में कैसे चला सकते हैं, उसके बेसिक्स, ब्लॉक कैसे यूज़ करते हैं, उसका भी मैं इसमें एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल का सिलेक्शन ज़रूर कर लें, ताकि मेरे वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप लोग उन वीडियोस को पूरा प्रॉपर देखें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते।